अंदरूनी इलाके की महिलाएं भी अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार के अंतर्गत शीतला स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत जाटीवन की महिला सदस्य हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही है। इसका एक जीवंत उदाहरण कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक के ग्राम जाटीवन पंचायत में देखने को मिला। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में सांसद के गोद ग्राम जाटीवन लिंगेश्वरी पारक की शीतला स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल हरी पत्तेदार भाजियां पलास के फूलों गेंदा फूल धवई फूल चुकंदर लाल भाजी पालक भाजी सिंदूर के बीज से हर्बल गुलाल बना रही है जो अपने आप में एक उपलब्धि है। एक ओर जहां लोगों की जीवन शैली में रासायनिक चीजों का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल बनाकर अपनी आजीविका चला रही है। देखिए राम कुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम सागर सेठी है, मैं झाटीवन ग्राम पंचायत एरिया देखती हूँ, यहाँ की PRP हूँ। NRLM के तहत शीतला स्व सहायता समूह की दीदी लोग को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण मिला था और उसके बाद से दीदी लोग निरंतर रूप से अपने आप से ही बना रहे हैं। एक साल ही प्रशिक्षण मिला था, दीदी लोग खुद सीख गए और बना रहे हैं। दीदी लोग को रायपुर में राज्यपाल के माध्यम से सम्मानित भी मिला हुआ है और पिछले 3 साल से बना रहे हैं, ये 4th साल है। पहले साल 4 क्विंटल बनाए थे, दूसरे साल 6 क्विंटल बनाए, फिर तीसरे साल 8 क्विंटल और इस साल 10 क्विंटल का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी 7 क्विंटल तैयार हो चुका है, अभी जो 2-4 दिन बचे हुए हैं उसमें 3 क्विंटल बनाने का दीदी लोगों ने टारगेट रखा है। हम लोग गुलाल बेचने के लिए दीदी लोग सबसे पहले तो वहाँ कलेक्ट्रेट में भी स्टॉल लगाते हैं, फरसगांव बस स्टैंड में स्टॉल लगाते हैं और इस साल हम लोग सोच रहे हैं कि केसकाल में भी स्टॉल लगा के गुलाल बेचेंगे जी। मैं चाहूँगी कि हमारा हर्बल गुलाल का ही इस्तेमाल करें और केमिकल गुलाल से बचें। मोर नाम सुमित्रा नेताम, समूह के मैं सचिव हूँ। हम सब सदस्य मन हम मिल के गुलाल बनातन लानतन, लाल बाजी पलास के फूल सिंदूर के बीजा निकालतन, चुकंदर के पालक बाजी के हल्दी के सब ला हम इकट्ठा करतन सब दीदी में सदस्य मन। तो जंगल से लानतन, सुबह जातन मोहा बीने ला उतेले लीमन में धर के न लानतन और बनाथन। ओकर बाद नहीं सब ला इकट्ठा करके न लाने रहतन, तब ओला फिर हम मिक्सी में बनातन, मिक्सी चलातन, मिक्सी चलाने के बाद हम मिलातन, मिलाने के बाद सुखातन, सुखाने के बाद फिर हम मिक्सी में पाउडर ला आरा रोट पाउडर संग हम मिलातन ओला और सुखाए के ना हम फिर ओला मिक्सी चलाए के फिर कपड़ा बांधतन टप में। ओकर बाद कपड़ा से चन्नी करतन, चन्नी करने के बाद ना हम पाउज मन पैकेजिंग करतन, वजन करतन और हम बाजार मन में सब दीदी मन बेचे बर हम जातन। जय बिहान, मोर नाम सुशीला नेतम, मोर गांव के नाम जाटीवन, कृषि विज्ञान केंद्र से सर दिए थे प्रशिक्षण, गुलाल के माध्यम से सम्मान मिली हमला रायपुर राज्यपाल अनुसुईया विखे सम्मान करी। होली ला नहीं जानत रहें त्यौहार मनाए के ला, अभी हम खुद अपन हाथ से होली बनाथन गुलाल बनाथन तो हमन लैका मन साथ इतना होली खेलतन रंगारंग। हमार करा अभी गुलाल बनाथन तो पैसा कौड़ी मिलते, घर वाला ला मांग लो में हिचकिचाते हिचकिचाए क्या है, अभी खुद हमार करा पैसा कौड़ी रहते बनाथन तब हमला अच्छा फायदा होते, फायदा होते तभी तो हमन मन बनाथन। और झाटीवन में जो दीदियां अभी गुलाल वर्तमान में जो हर्बल गुलाल बना रही हैं वो समूह में जुड़ने के बाद सामान्य तौर पर कृषि ही उनका आजीविका का साधन हुआ करती थी। इन्हें हमने 2020 में कृषि विज्ञान केंद्र बोरगांव की सहायता से तकनीकी सहायता प्रदान कर प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें हर्बल गुलाल स्वरोजगार कार्य से हमने जोड़ा, जिसमें दीदियों द्वारा विगत 3 साल से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी आय उन्होंने बढ़ाया हुआ है। साथ ही इस कार्य में हमारे जिला कलेक्टर सर एवं जिला पंचायत CO सर के द्वारा समय समय पर निर्देश जारी करके जहां पर ज़्यादा बिक्री उनको उपलब्ध कराया जा सके इस सभी प्रशासनिक स्तर पर भी इस कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 3 साल हम लोगों ने शुरुआत था तो
मात्रा जो उत्पादन मात्रा जो थी वो कम थी, इस वर्ष हमने उत्पादन मात्रा को बढ़ाकर लगभग 10 क्विंटल का टारगेट रखा हुआ है, जिसमें समूह की दीदियों ने 7 क्विंटल अभी तक बना लिए हैं और 3 क्विंटल का जो काम है वो प्रगति पर है, जो लगभग 2 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा।